5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में आज हम सभी उपस्थित हैं। वर्षा के कारण हम लोग स्थान परिवर्तन करके और प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो सभी सिद्धासन में बैठेंगे, बाया पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड को सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी को, और आंख बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री आदि मंत्रों का जाप करेंगे। तो आइए आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके सांस को धीरे धीरे भरिए और महसूस करिए कि हमारे भीतर जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, जितने प्रकार के विकार हैं, कुविचार हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे शरीर से अलग हो जाएंगे और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब कि जितने भी गलत संस्कार हैं, गलत आचरण व्यवहार हैं, गलत खान पान हैं, इन सारे चीज़ों से मुक्ति मिल जाए तो हम पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तो आइए योग रूपी गंगा में स्नान करने के लिए हम सभी श्रद्धालु बहुत तन्मयता के साथ, निष्ठा श्रद्धा समर्पण के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए प्राण देवता की आराधना करते हुए सांस को पूरा भरिए फेफड़े में और ओम का उच्चारण करेंगे। ये 3 प्रकार के आसन में बैठ करके हम कोई भी आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सिद्धासन में बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा करके और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसका करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। सीधे बैठिए, कोई झुक के नहीं बैठेगा। हाँ, बैठने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, सीधा बैठना है। पहले आप अभ्यास 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, लेकिन विधि पूर्वक अभ्यास करना है। तो ये नहीं सोचिए कि हम एक दिन बैठ गए तो सीख लिए। खुद हम 10-15 सालों से स्वामी जी के साथ जुड़े हैं, आदरणीय प्रेम सागर जी भी जुड़े हुए हैं, फिर भी हम लोग इतना नियमित अभ्यास करने के बावजूद भी जब स्वामी जी के पास जाते हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं सीख पाए हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास हमें पारंगत बना सकता है। तो सभी सीधे बैठ करके और
आंख खोल करके ही हम इसको सीखेंगे, और फिर जब पूरा विधि पूर्वक सीख जाए तब आंख बंद करके ध्यान पूर्वक इसका अभ्यास करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिका छिद्रों से बराबर मात्रा में सांस को फेफड़े में भरेंगे, फेफड़ा हमारा फूलेगा डायफ्राम, और जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम हमारा सिकुड़ेगा। एकदम धीरे धीरे करेंगे, ध्यान सांसों पे रहेगा और ये महसूस करना है कि कैसे हम सांस को भर रहे हैं तो फेफड़ा हमारा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सांस को छोड़े तो ऐसा लगे कि सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सहजता पूर्वक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आंख खोल करके ही। ध्यान जब आपका लगेगा, मन लगेगा, समर्पण होगा, श्रद्धा होगी, तो आपकी आंखें स्वतः धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, निर्बीज समाधि को प्राप्त होता हुआ यह शरीर इस जन्म के पीछे भी लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं और इस जन्म के बाद भी लाखों करोड़ों अनंत जन्म होने बाकी हैं। सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस केवल अंदर भर दीजिए और जो इसका लाभ मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा। जैसे दूध केवल मुंह में डाल के पेट में निकल जाइएगा तो दूध का जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। और मन में विचार कर धीरे धीरे, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, साउंडलेस प्रैक्टिस है। और बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का दर्शन करने का प्रयास करिए। ऐसा लगे कि हम लोग कोई नदी में, सरोवर में, तालाब में खड़े हैं। जैसे हम छठ पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, हाथों में अर्घ लेकर के और भगवान सूर्य का दर्शन होते ही अर्घ को समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार महसूस करिए कि पूर्व दिशा में क्षितिज पर लालिमा दिखाई पड़ रही है और उस लालिमा को देखते देखते ऐसा आभास हो रहा है कि अब भगवान सूर्य बाल स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं बंद आंखों से। जिस समय, जिस क्षण ऐसा महसूस होने लगे तो समझिए कि आप एकाग्र हो रहे हैं, आपका मन टिक रहा है इन अभ्यासों में। जैसे एक महाभारत की कथा है, प्रसंग है, एक बार अर्जुन सहित अन्य धनुष बाण चलाने वाले साधकों को, विद्यार्थियों को एक बार परीक्षा ले जा रही थी पेड़ पर। पक्षी और अलग अलग लोगों से पूछा गया, किसी ने बोला कि पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने बोला कि पेड़ सहित पक्षी, किसी ने बोला कि केवल पक्षी, किसी ने बोला कि पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और जिस व्यक्ति को, यानी अर्जुन को, केवल पक्षी का आंख दिखाई दिया तो उन्होंने उस पे तीर चलाया तो उस पे जाकर के लगा, और जिसको पेड़ दिखाई दिया, पूरा पक्षी दिखाई दिया, यानी ध्यान उसका कंसंट्रेट नहीं था, एकाग्र नहीं था, तो वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। इसलिए अभ्यास करते समय आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो। अपने शरीर को ही देखिए, अपने माँ बाप के चेहरे को ही देखिए, किसी मंदिर का गुंबद को देखिए, सांस को भरते रहे, छोड़ते रहे। जब जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग और कोई व्याधि नहीं, किसी प्रकार का कोई कुकर्म नहीं, छल कपट नहीं, प्रपंच नहीं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में अलग प्रकार की रोग व्याधियां
और अलग अलग से कुविचार से लेकर के तमाम प्रकार के गलत आचरण धीरे धीरे स्थापित होने लगते हैं। आज इसे मध्यम गति से थोड़ा हल्का आवाज निकालते हुए करेंगे। वर्षा की बूंदे हमारे शरीर को तृप्त करता हुआ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री में या हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठ करके और इस सुंदर मनोरम भाव में अभ्यास कर रहे हैं। और लंबा गहरा सांस लीजिए। आँख खोल दीजिए, सब लोग इस अभ्यास को करिए। चेहरे की आकृति ठीक ठाक हो, मुंह बंद रहे। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो अकड़ा हुआ है ना, अभी तो जकड़ा हुआ शरीर है, लकड़ा हुआ शरीर है क्या, धीरे धीरे ठीक होगा। करिए पूरा इसको तीव्र गति से करिए। ऐसे पेट में नहीं केवल छाती में। ऊपर वाला पोर्शन मुंडी मत हिलाया, ऐसे से करें। छाती कम मुड़ी हिल रहा है इनका ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा आप लोगों का। आप भी भरी, तुम भी भरो बेटा, वहीं से भरो, भरो भरे से भरो। मुंडी चलो अब याद का मुंडी ज्यादा हिल रहा है ना ऐसे। धीरे धीरे हो एक दिन। इसमें क्या है कि जब गलत अभ्यास करेंगे तो हवा पेट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे पेट यहाँ जो करता है, पेट तो सर हिल ही ना रहा है इसमें, तो पेट भी तो हिलने के लिए थोड़े बोल रहे हैं। हवा नहीं ले जाना है, हिलेगा तो हिलेगा शरीर ना, हवा नहीं ले जाएंगे। तो भरेगा तो ये तो खींचा होगा ना थोड़ा इसमें, पेट तो खींचेगा लेकिन हवा नहीं भरेगा उसमें। देखिए या ये जो छोड़ दे रहे बस यही से निकल रहा है। कपाल भाती करते हैं तो पेट में जाता रहते हैं। यही सावधानी रखना है, पेट में ले जाइएगा तो भस्त्रिका प्राणायाम का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। कारण कि पेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हवा को अवशोषित कर सके, जो ऑक्सीजन को अंदर में रोक सके। वो सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, छाती में, छाती में लगा हुआ है, हार्ट में लगा, हृदय में लगा हुआ है। अब भस्त्रिका प्राणायाम समझ गए आप लोग, इसमें कितने सेकंड तक सांस भरते हैं, 5 सेकंड तक, कितने सेकंड तक सांस छोड़ते हैं, 5 सेकंड तक, और कितने मिनट तक अभ्यास करेंगे, 5 मिनट। आंख क्या रखेंगे, ध्यान कहाँ रहेगा, सांसों पर रहेगा। और अभ्यास करते समय बैठ जी माता जी, आपको जगह दे दीजिए। और अभ्यास करते समय हमें ये महसूस करना है, ये हमें सोचना है कि जब सांस को अंदर रखेंगे तो ऐसा लगे कि दुनिया के ओज तेज सुख शांति समृद्धि सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और सांस को जब छोड़े तो ऐसा लगे कि हम भीतर के सारे विकार को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, फेंक रहे, निकाल रहे हैं। ये बार बार सोचना है आपको, मन में विचार उत्पन्न करना, तब जाकर के लाभ घटित होगा आपके शरीर में। तो अब लाभ इसका सुनिए क्या क्या मिलेगा भस्त्रिका प्राणायाम करने से। एकदम 100% इलाज हम बता रहे हैं, बशर्ते कि आपका ध्यान इसमें लगना चाहिए और समर्पण होनी चाहिए। देखिए बीमारी क्या का, जिनको दमा का बीमारी हाँफ आ जाता है, दम फूलता है, जिनको दौड़ने पर दम फूल जा रहा है, सांस फूल जाता है, और जिनको चरम रोग है, साइनस है, सर्दी हो जाता है ना बार बार, नेटा छूटा है जिसका, कितनों दवाई खाता है नेटा सूखता नहीं है,
तो ये 15 दिनों में तो ये तो सर्दी की कहानी खत्म हो जाए आपको जन्म जन्म का, ठीक ना। तो उसके लिए थोड़ा सामान्य गति और मध्यम गति का अभ्यास करेंगे। अब लाभ समझ गए कौन कौन बीमारी में, दमा की बीमारी, हाँफ की बीमारी, सांस की बीमारी, गले की बीमारी, हृदय की बीमारी, साइनस, सर्दी और जुकाम। सोचिए कितने लाखों करोड़ों का मैंने दवा बता रहा हूँ। एक सर्दी हो जाए तो कितना हजार का दवाई खा जाते नहीं, साइनस हो जाए तो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है, हार्ट खराब हो जाए तो करोड़ों पैसा लग जाए फिर भी ठीक नहीं होगा, चर्म रोग हो जाए फिर भी नहीं ठीक होगा, सांस की समस्या हो जाए फिर भी ठीक नहीं होती है। इसलिए कौन सा प्राणायाम करेंगे हम लोग, भस्त्रिका। कितने मिनट करेंगे, 5 मिनट। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब सांस भरते रहिए, सुनते रहिए, आप लोग रोक देते हैं सुनने के लिए, वो तो कान अलग से दिया हुआ है सुनने के लिए, नाक से लेना छोड़ना है, दोनों अभ्यास चल रहा है, सुनने वाला भी और सांस लेने छोड़ने वाला भी, तभी तो फायदा होगी। अब क्या है कि जब सांस भरते हैं तो शरीर के अंदर में ऑक्सीजन जाता है और सारे गैस जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रुक जाता है, बाकी गैस निकल जाते हैं। अब ये लगातार करेंगे 5 मिनट तक, तो मैंने कल भी बताया था कि 1 मिनट में शरीर का पूरा खून क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। और कहाँ शुद्ध हो रहा है, फेफड़े में, हृदय में, हार्ट में हो रहा है। खूब साफ भरिए, यानी 1 मिनट में आपका शरीर का पूरा खून क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और 5 मिनट करेंगे तो कितना बार शुद्ध होगा, 1 मिनट में एक बार तो 5 मिनट में 5 बार। अब 5 मिनट काफी है 24 घंटा के लिए, जिससे एक बार नाश्ता कर लेते हैं तो 5 घंटा का फुर्सत हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। वही हाल है, 5 मिनट केवल भस्त्रिका प्राणायाम सुबह और शाम कर लें तो आपका 24 घंटे एनर्जाइज रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, प्रज्ञावान रहेंगे और आपके भीतर की सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। बस जरूरत है सांसों को खूब भरने का और छोड़ने का। ओम।